सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया भागलपुर, 9661904817, 9934433194। बर्ड फ्लू के कारण मुर्गी के व्यवसाय पर रोक लगाने से मुर्गा व्यवसायी हुए आक्रोशित, किया पशुपालन पदाधिकारी का घेराव। जिलाधिकारी ने कहा सैंपल को भेजा गया है जांच में, एक सप्ताह के बाद मुर्गी पालक कर पाएंगे मुर्गी व्यवसाय। भागलपुर के बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 मिलने के बाद से एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस को रोग फैलने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर 5 दिनों से मुर्गी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको लेकर मुर्गा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी आज जिला पशुपालन कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर जिला पशुपालन पदाधिकारी का घंटों घेराव किया और उनसे मांग की कि सभी मुर्गी फॉर्म की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट देखे जाने के बाद मुर्गा फॉर्म को खोलने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि गर्मी को लेकर ऐसे भी मुर्गे मर रहे हैं और प्रशासनिक रोक लगाने के बाद मुर्गा व्यवसाय से जुड़े लोग भूखे मरने को विवश हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन जिन मुर्गा फार्म में रिपोर्ट सही आती है तो ऐसे व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं इस मसले पर जिला पशुपालन पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। वहीं उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का ही पालन किया जा रहा है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण मुर्गे के व्यवसाय पर रोक लगा दिए जाने को लेकर इस पेशे से जुड़े व्यवसायी काफी आक्रोशित हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर हम लोगों ने कई जगह से सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिए, कहीं से किसी तरह की नेगेटिव शिकायत नहीं आई। उम्मीद है कि पटना के लैबोरेटरी से भी पॉजिटिव खबर आएगी और अब मुर्गा व्यवसायी भी एक सप्ताह के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। भारी मात्रा में कछुए के मांस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, ले जाया जा रहा था पश्चिम बंगाल। 50 से अधिक कछुओं की हुई थी हत्या, जिसकी कीमत लाखों में। भागलपुर के वन विभाग के द्वारा प्रतिबंधित कछुए का मांस कहलगांव स्टेशन से बरामद किया गया। वन विभाग को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कछुए के मांस की तस्करी होने वाली है, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा RPF कहलगांव को इसकी सूचना दी गई। वहीं कल देर रात वन विभाग की टीम और RPF की मदद से 25 किलो से ज्यादा कछुए का मांस बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 50 से अधिक कछुओं की हत्या कर उनका मांस पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट ले जाया जा रहा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कछुए के मांस से दवा बनाने के साथ साथ इसे खाने के काम में भी लाया जाता है और इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम पवन सहनी है, जो कहलगांव का रहने वाला है। उसका कहना है कि UP से आए एक व्यक्ति के द्वारा कछुए का मांस उसे दिया गया था और उसे बंगाल के रामपुर हाट ले जाने के लिए कहा गया। इसके एवज में उसे 2,000 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन कहलगांव स्टेशन पर वो कछुए के मांस के साथ गिरफ्तार हो गया। वहीं वन विभाग अब गिरफ्तार व्यक्ति से इस गैंग के अन्य सहयोगियों और तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। रेलवे कर्मी ही उड़ा रहे रेलवे नियम की धज्जियां, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। देश में रेलवे प्रशासन जहां लगातार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार नहीं करने को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करती है, वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा रेलवे लाइन क्रॉस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अक्सर देखी जाती है। लेकिन भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात में हमसफर ट्रेन रुकी, जिसमें से पेंट्री कार के कर्मचारी खुद रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेंट्री का सामान लाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं किया गया और रेलवे की पटरी को पार कर सामान लाते आराम से दिख रही हैं। वहीं एक रेल पुलिस का जवान भी वहां पर खड़ा होकर सब देख रहा है, लेकिन कार्रवाई या इन लोगों को रोकने के लिए आगे नहीं आया। अगर आम जनता होती तो उनका फाइन होता और कार्रवाई भी पुलिस वाले करते। जब खुद रेलवे के कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के द्वारा संचालित नियमों का कितना पालन होता होगा। प्रचंड गर्मी दिखा रही अपना रौद्र रूप, पारा हुआ 43 के पार, पछुआ हवा से अभी नहीं मिलेगी लोगों को राहत।
पूरे सूबे में तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। एक तरफ जहां जिलाधिकारी के आदेशानुसार कई जिलों में तपती गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया, वहीं कई जिलों में स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सड़कें वीरान हो गई। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में 2 से 3 दिनों तक गिरावट होने की कोई संभावना नहीं देखी जा रही। साथ ही पछुआ हवा का भी प्रभाव रहेगा, बढ़ते तापमान के बीच उमस भी बनी रहेगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान का असर बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रोहतास, भगवा, औरंगाबाद, पलवल सहित दक्षिण पश्चिम जिलों के आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक गंगे, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक राज्य में तेज पछुआ हवाएं भी चलती रहेंगी। भीषण गर्मी को लेकर पदाधिकारियों ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ की संयुक्त बैठक। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में तपती धूप को लेकर प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। साथ ही पंचायती राज के पदाधिकारी नीलिमा कुमारी के प्रखंड मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने पर भी स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मणि थे। बैठक में मुख्य अतिथि एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी को बुके देकर स्वागत किया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से तेज धूप में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका पालन करते हुए स्वागत विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें गर्भवती महिला एवं बूढ़े बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए सभी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। साथ ही पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी ने मीडिया को पंचायत को नंबर 1 में ले जाना है और भीषण गर्मी के सवाल पर कहा कि सरकार की योजनाओं को देखते हुए पंचायत में जल संरक्षण करते हुए भीषण गर्मी से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पंचायत के मुखिया चंदन कुमार, संजीव विधान, खुशबू रानी, अनिल मंडल, अशोक यादव, भरत यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ईद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रिया रंजन ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल प्रभारी रवि कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, नगर परिषद के इंचार्ज दिलीप दुबे, SI अशोक कुमार मौजूद रहे। बैठक में प्रखंड एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हो इसके लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रिया रंजन कुमार ने बताया कि ईद के त्यौहार को शांति एवं सौहार्द वातावरण में ईद मिलन समारोह मनाने की अपील लोगों से की। गौरतलब हो कि प्रखंड के सभी मस्जिद में ईद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान पूर्व सभापति दयावती देवी, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम, राजद प्रधान महासचिव नट बिहारी मंडल, दिलीप गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, पूर्व उप सभापति मनीष कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पोद्दार, वार्ड पार्षद रानी देवी, जदयू नेत्री प्रेम प्रभा सिन्हा, भाजपा नेत्री अलका चौधरी, वार्ड पार्षद विनोद रजक, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार सहित अन्य राजद कार्यकर्ता, जदयू नेता, भाजपा नेता, वार्ड पार्षद, पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रसोईया के पद पर कार्य कर रही महिला को प्रिंसिपल के द्वारा किया गया दुष्कर्म का प्रयास। महिला के मना करने पर प्रिंसिपल ने पीड़िता को लोहे की रॉड से मारकर किया घायल। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय नियामतपुर के रसोईया के पद पर कार्यरत सविता देवी की प्रिंसिपल के द्वारा वेतन का भुगतान करने की मांग जब उसने की, तब पीड़िता के साथ प्रिंसिपल के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास 18 अप्रैल को किया गया था। वहीं जब पीड़िता प्रिंसिपल से अपने को छुड़ाकर भागने लगी, तब लोहे की रॉड से उसे मारकर घायल कर दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा शाहकुंड थाने में की गई थी। लेकिन थाने के द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के बाद आज पीड़िता अपने पति के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता रो रो कर सभी बात पुलिस अधीक्षक को बताई और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के पति का कहना है कि उसकी पत्नी 2 साल से स्कूल में रसोइये के पद पर है, लेकिन आज तक उसे वेतन नहीं मिला, जिसके लिए पत्नी जिलाधिकारी महोदय से मिली। लेकिन जब वो स्कूल के प्रिंसिपल से वेतन के लिए गुहार लगा रही थी, तो प्रिंसिपल के द्वारा उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया और गलत करने में जब वो सफल नहीं हुआ तो रॉड से उसका सर फोड़ दिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द कार्यवाही की जाएगी।
सदर अस्पताल में बना सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न हॉस्पिटल, अब एक ही छत के नीचे मिलेंगी मरीजों को सारी सुविधाएं। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के हर वार्ड का किया औचक निरीक्षण, जहां कमियां हैं उन्हें सुधारने का दिया निर्देश। भागलपुर के सदर अस्पताल में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्पताल के सभी विभाग के वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में दवाइयां, एम्बुलेंस जांच के लिए व्यवस्था, ऑक्सीजन से लेकर मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की, साथ ही साथ विभागों की उपस्थिति, पंजी एवं कई कागजातों को भी बारीकी से देखा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, अभी शहर का तापमान काफी ज्यादा है और असामान्य परिस्थिति बनी रही, उसी कड़ी में आज हम लोगों ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, साथ ही सभी विभागों के वार्ड में जाकर उनकी समुचित व्यवस्था को देखा। काफी हद तक व्यवस्था सुदृढ़ है, जहां कमियां दिखी उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस में और सभी विभागों के वार्ड में एसी की समुचित व्यवस्था करने की पहल चल रही है, मरीजों को समय पर समुचित चिकित्सकीय सुविधा मिले इसके लिए निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने भागलपुर वासियों को जानकारी देते हुए कहा कि अब भागलपुर के सदर अस्पताल में एमसीएच बनकर तैयार हो गया है, सारे सामान लग चुके हैं, अंतिम रूप देकर जल्द इसे शुरू किया जाएगा। जाएं की छत के नीचे दवाइयां, जांच, ऑक्सीजन और रोगियों का इलाज होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विक्टोरिया भवन को भी बन जाने से मरीजों को काफी फायदा हुआ है। वहीं दीदी की रसोई की भी व्यवस्था की तारीफ करते दिखे।